नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंग जाऊं तेरे रंग में। इस सीरियल में यहाँ पे देखिए सृष्टि क्या घर छोड़ के जाने वाली है और क्या वो जा चुकी है, एक कोई नाटक खेल रही है। यहाँ पे देखिए पपीता का जूस मिला के देती है इसे, यानी धानी को, कि धानी का बच्चा खराब करना चाह रही होती है। पर धानी भी कम नहीं है, धानी इस चीज़ का पता लगा लेती है और सबके सामने बोल रही होती है कि इस जूस को मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि इस जूस को दीदी ने बनाया है और दीदी ही पिएंगी। तो यहाँ पे ध्रुव गुस्सा होता है, बोलता है तो ध्रुव को, ये जूस को मैं पीऊँगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दीदी यानी सृष्टि ने जहर इसमें मिला दिया है, तो ये पी के मैं ही मर जाऊँगा। यहाँ पे सृष्टि बोल रही होती है तुम क्यों पियोगे ध्रुव जी, मैं इसे पी के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं मिलाई होंगी तो हम ही मरेंगे ना। तो इस तरीके से दोनों लड़ाई कर रही होती हैं। यहाँ पे उसकी माँ सृष्टि और धानी की माँ रो रही होती कि तुम दोनों एक दूसरे से कितने प्यार करते थे और पर ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के जान लेने पे तुले हुए। और यहाँ पे सृष्टि रोने लग जाती है और जूस को पी लेती है। धानी यहाँ पे देखती रह जाती है, ध्रुव भी देख रहा होता है कि इसमें जहर मिलाई है, यानी गलती सृष्टि की नहीं है, धानी की ही गलती है, जो धानी पे बार बार उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ पे जा रही होती है, उसकी माँ हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी होती है। ध्रुव पहुँचता है, माँ तुम क्यों इतना परेशान हो? ध्रुव, उसकी माँ बोलती है इन दोनों की दुश्मनी कैसे दूर होगी? तो ध्रुव बोलता है हम दूर कर देंगे। यहाँ पे तो सृष्टि आ जाती है अपना कपड़ा पैक करके जाने के लिए घर वापस, कि माँ चलो हम तुम्हारे साथ ही घर वापस चलेंगे। यहाँ पे दीदी के बच्चे को मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई खतरा हो जाए, क्योंकि इसे उसे शक है कि हमारे पे, तो जब तक दीदी का बच्चा नहीं हो जाएगा सही सलामत तब तक मैं नहीं आऊँगी। और मन में एक सवाल उठ रहा होता है उसके कि अब तो मैं आऊँगी, मजबूत जड़ बना लूँगी तभी आऊँगी। यानी सृष्टि और धानी को घर से निकाल के तब सृष्टि वापस आना चाहती है, सृष्टि को धानी से और ध्रुव को दोनों को दूर करना चाहती है, अलग करना चाहती है और अपना ही ध्रुव की पत्नी बनना चाहती है। इस वजह से धानी के ज़िंदगी में जहर घोल रही होती है। यहाँ पर उसकी माँ और बुआ जी सब लोग बहुत लोग खुश हो रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। यहाँ पर पार्टी के लिए तैयार होने जाते हैं।